नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का, और आज हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन में आप प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर पाएंगे जो प्रोडक्ट्स अभी अमेज़ॉन की वेबसाइट में नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, अमेज़ॉन ने अभी ये सिस्टम काफ़ी सिंपल कर दी है सेलर्स के लिए। तो वो कैसे होगा और कितना टाइम लगेगा, चलिए देखते हैं। पहले आप चले जाइए अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पेज पे, और वहाँ पे इन्वेंट्री में आप देखेंगे ऐड प्रोडक्ट। तो पहले आप वहाँ पे क्लिक करिए ऐड प्रोडक्ट पे। तो जैसे ही आता है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे तीन तरीके होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के। ठीक है, एक तो है जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो आप उसकी जो फाइल है डाउनलोड करके उसमें सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन डाल के फिर वो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो तीनों तरीके मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये पहला तरीका जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करें। वो क्लिक करने के बाद पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। आप जो भी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो एक कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। वो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल कैटेगरीज सब कैटेगरीज आएंगी जो वो भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो लेट्स से कि हम अभी मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे मोबाइल्स पे। लेट्स सर्च कि मोबाइल्स कहाँ पे है। मोबाइल्स अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मोबाइल्स, कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज में चला जाता हूँ। अभी कंप्यूटर एक्सेसरीज में पहला जो ऑप्शन है एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल्स, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद एडाप्टर्स, और एडाप्टर्स में थोड़ा मुश्किल है, मैं केबल्स में या फिर ब्लैंक मीडिया लैपटॉप एक्सेसरीज में देखता हूँ। ये देख लेते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। ठीक है, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरफ दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और चेंजेस हो सकते हैं, और ये जो फील्ड्स हैं ये फील्ड्स डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है, कौन सा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन बेचना चाहेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो आपको फिल करने होंगे। ठीक है, जैसे ही ये पेज आपका खुलता है तो पहले ही आपको टॉप राइट साइड में यहाँ पे एडवांस व्यू को ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये एडवांस व्यू जो है वो ऑन होते ही आप इसमें प्रोडक्ट्स फीड करना शुरू कर सकते हैं, और दूसरे जितने भी टैब्स हैं वो सारे भी ऑन हो जाएंगे। अभी सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि प्रोडक्ट आईडी। अभी प्रोडक्ट आईडी में जो है आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप सिलेक्ट करके कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। अभी लेट्स से ये एसिन नंबर है, तो एसिन नंबर क्या होता है कि अमेज़न का कोई भी एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक सबका अलग से एसिन नंबर होता है, तो एसिन नंबर आप यहाँ पर डाल के वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वो हर एक प्रोडक्ट का आपको सिलेक्ट करना होगा, वो इंडिविजुअल और यूनिक रहता है। EN, UPC सबका प्रोडक्ट का अलग रहता है, तो वो प्रोडक्ट का जो भी UN या UPC नंबर है वो प्रोडक्ट के बारकोड में रहता है मोस्टली। अगर प्रोडक्ट में आपको कहीं पर भी बारकोड नज़र आ रहा है तो वो बारकोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो EN मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी पहला देखिए टाइटल आ गया है, तो प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। देखिए मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम दोनों सेम नहीं होते हैं, काफ़ी बार बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कोई और होता है और उसके जो ब्रांड नेम होती है कोई और होती है, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांड्स ऐसी होती है जो थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरर कराती है और इम्पोर्ट करा के कुछ कुछ और नाम से वो प्रोडक्ट को सेल करती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर आएगा, जो पार्ट नंबर मैन्युफैक्चरर का है, जैसे कि लैपटॉप है तो लैपटॉप में पार्ट नंबर होते हैं, कोई भी XYZ प्रोडक्ट हो वहाँ पे मोस्टली पार्ट नंबर होते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पर भी आपको रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, वो सारे मैंडेटरी है। मॉडल नंबर जो है वो प्रोडक्ट का मॉडल नंबर रहेगा, आप अपना खुद का भी मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है जहाँ पे कोई मॉडल नंबर है ही नहीं, अभी लेट्स से आप कोई कांच की आइटम बेच रहे हैं और अभी उस पर कोई मॉडल नंबर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे अपना मॉडल नंबर मेंशन कर सकते हैं। जनरली जो मॉडल प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं उनके मॉडल नंबर्स तो अवेलेबल होते ही हैं, वो बॉक्स में लिखे ही रहते हैं। ठीक है, केबल कंडक्टर मटेरियल,
अभी यहाँ पे केबल कंडक्टर मटेरियल क्या है, कोई भी मटेरियल ऐसा हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके तो वो केबल कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। जैसे कॉपर है और एलुमिनियम है, और वो सारे क्या है कि वो केबल कंडक्टर मटेरियल होता है। तो अगर वो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसका नाम, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या है। ये सारी ऑप्शन जो है ये फिल करके आप सेव एंड फिनिश पे वो कर सकते हैं। सेव एंड फिनिश जैसे हो जाता है फिर आप नेक्स्ट टैब पे आ जाइए। वेरिएशन जो है वो बेसिकली वैसे प्रोडक्ट पे अवेलेबल होता है जहाँ पे मल्टीपल साइज होती है, कलर्स होते हैं और काफ़ी सारे अलग चॉइसेस होते हैं अवेलेबल एक ही प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे आप ये वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये कैटेगरी में वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक प्रोडक्ट जो है वो हर एक प्रोडक्ट यूनिक रहेगा। वी स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो हर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अलग रहेगा, ठीक है, उसमें कलर्स अलग होते हैं लेकिन वो सबका लिस्टिंग अलग होगा, सेम लिस्टिंग नहीं हो पाएगा। ऑफर्स में आप यहाँ पे जो भी ऑफर्स हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट SKU प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड जो आपको खुद को क्रिएट करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, अगर आप डालते हैं तो अच्छी बात है, कहाँ से जो प्रोडक्ट आया है वो कंट्री का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेलर वारंटी डिस्क्रिप्शन ये होता है बेसिकली आपकी तरफ से आप कस्टमर्स को क्या वारंटी दे रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आप अपनी तरफ से वारंटी दे रहे हैं कस्टमर को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि कोई ड्रिल मशीन हो तो ड्रिल मशीन में जो ब्रांड है वो ब्रांड तो 6 मंथ्स की वारंटी दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो है आप 1 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हो 1 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी, ठीक है, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। अगर कोई वारंटी आप नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नो वारंटी फ्रॉम सेलर, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स वारंटी। ओके, रिलीज डेट, रीस्टॉक डेट, ये अभी आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तब होता है अगर आपको कोई रिमाइंडर चाहिए कि आपका 10 दिन के बाद आपको स्टॉक का रिमाइंडर चाहिए, तो आप 10 दिन के बाद यहाँ पे ये रीस्टॉक डेट डाल दीजिए। 10 दिन के बाद जो है वो अपने आप रीस्टॉक हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब रीस्टॉक क्वांटिटी कितनी रखनी है वो बेसिकली आप यहाँ पे जो क्वांटिटी मेंशन करेंगे फिर से वो उतना ही क्वांटिटी रीस्टॉक हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं गिफ्ट रैप अवेलेबल कैन बी गिफ्ट मैसेज। ये ऑप्शंस वैसे प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं जो अगर कोई गिफ्ट देने के लिए खरीदना चाहता है और डायरेक्टली गिफ्ट पैक कंडीशन में वो खरीदना चाहता है तो यहाँ से वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर जो है वो खरीदते वक्त उनको ये ऑप्शंस दिखेंगे कि आप उनको गिफ्ट रैप करके या फिर गिफ्ट मैसेज के साथ वो प्रोडक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तो हम नहीं करते हैं बट ये पॉसिबल होता है FBA से। FBA मतलब अमेजन के जो वेयरहाउस है वहाँ से मोस्टली ये ऑप्शन सारे बाई डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है। कंडीशन नोट जो है वहाँ पे आप कोई भी कंडीशन एक मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इज अवेलेबल विथ द लीड और प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो जब भी आप अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे तो देखिए मैं बता देता हूँ कि वो डिस्प्ले कहाँ पे होता है। कंडीशन नोट मोबाइल फोन्स पे चले जाते हैं, यहाँ पे काफी सारे मोबाइल्स हैं। देखिए अभी यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मैं अगर सेलर्स में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे ये देखिए ये जो है ये कंडीशन नोट है, तो आप वहाँ पे जो लिखेंगे ये मैसेज यहाँ पे जो लिखेंगे वो मैसेज यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको डिस्प्ले होगा। देखिए राइट, काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं जो मेंशन करते हैं, 58 सेलर्स हैं और उसमें से काफ़ी कम सेलर ने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कंडीशन नोट लिखते हैं तो अच्छा है क्योंकि वो एक आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ाता है और तुरंत नज़र में आता है कि आप सेलर हैं और आपने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो भी बायर है वो पढ़ने की कोशिश करता है। और अगर आपने कुछ भी अच्छा लिखा हुआ है वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी कोई ऑफर दे रहे हैं अच्छा, तो वो खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीगल डिस्क्लेमर में जो है आप यहाँ पे कुछ भी जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्रोडक्ट के बारे में वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादातर तो हम कुछ मेंशन नहीं करते हैं, इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। क्वांटिटी जो है बेसिकली आपके पास जितना क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। टैक्स कोड बेसिकली आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो अगर आप
कपड़े में है तो देखिए क्लोथ में यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ऑप्शंस हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडीमेड है, मोबाइल है तो फिर मोबाइल में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। एक्सेसरीज जनरल, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। शिपिंग टेम्पलेट, इसको अभी आप रहने दीजिएगा। माइग्रेटेड, ये शिपिंग के बारे में मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी शिपिंग टेम्पलेट जो है आप उसी को ही रहने दीजिएगा। योर प्राइस, अभी ये जो सेलिंग प्राइस है आपकी, वो अभी सेलिंग प्राइस आपको बहुत सोच समझ के डालनी होगी, कैलकुलेशन करने के बाद, उसकी कॉस्टिंग निकालने के बाद। अगर कॉस्टिंग निकालने कैसी है, कैसे निकालना है कॉस्टिंग उसका, क्या सेलिंग प्राइस पे आप बेचेंगे, अगर वो आपको पता करना है तो आप मेरे एक ट्यूटोरियल में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। हैंडलिंग टाइम, यहाँ पे आप मेंशन करें कितने दिन के अंदर आप ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर पाएंगे, ठीक है। सेल प्राइस, सेल प्राइस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली जो भी आप ऑफ़र देना चाहते हैं कस्टमर को, लेट से आप यहाँ पे 1000 रुपये, आप सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे योर प्राइस में 1000 रुपये आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और सेल प्राइस जो है आप यहाँ पे 900 रुपये रख रहे हैं। अब सेल प्राइस जो है वो थोड़े पीरियड के लिए ही रहता है। सेल प्राइस आप स्टार्ट कर सकते हो लेट से आज से 4 दिन तक, तो आज से 4 दिन तक, 3 दिन तक ये 900 रुपये की वैल्यू वहाँ पे दिखेगी सेलिंग प्राइस पर। यहाँ पे जो है वो 900 रुपये कस्टमर को दिखेंगे, ठीक है, और 22 तारीख से वो प्राइस बैक टू नॉर्मल 1000 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही फंडा है और कुछ नहीं। स्टार्ट सेलिंग डेट, आप कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऑन द स्पॉट अभी से ही सेल्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सेल स्टार्ट डेट, वो लेट से आप एक दिन के लिए देना चाहते हैं तो 20 से 21 तक, तो 20 से 21 तक ही वो 100 रुपये का डिस्काउंट दिखाएगा, बाकी 22 तारीख से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होने के बाद आप सेव एंड फिनिश कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सेव कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे इमेज पे, ये मेन इमेज है ऊपर जहाँ पे आप इमेजेस डालेंगे। इमेजेस में आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो पिक्चर क्वालिटी मिनिमम 1000 और 500 पिक्सल की हो, ठीक है, एक 1000 पिक्सल लॉन्ग हो और 500 पिक्सल वाइड हो, और क्वालिटी अच्छी हो, जेपीजी फॉर्मेट प्रिफर्ड रहता है मोस्टली, और पिक्चर के बैकग्राउंड में कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली प्रोडक्ट का ही इमेज होना चाहिए। ये पॉलिसी के हिसाब से, अमेज़न की पॉलिसी के हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन हमने काफ़ी बार देखा है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं जहाँ पे इमेजेस के बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ रहता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़े हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसमें कंटेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट का इमेज कम है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि वो अप्रूव नहीं करते हैं प्रोडक्ट को, डिसअप्रूव कर देते हैं। अभी आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करके। ये होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में चले आएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, आप यहाँ पे क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि ये है 5.5 इंच एलईडी स्क्रीन, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया कि आपने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद एलईडी एमोलेड स्क्रीन, तो ये एक दूसरा एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जो फीचर्स है जो कस्टमर जो देखना पहले पसंद करते हैं, तो वो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद सेव या फिर कीवर्ड्स में चले जाइए। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, वो कीवर्ड्स बेसिकली जब भी कोई अमेज़न में सर्च करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ होम डेकोर प्रोडक्ट्स, ओके, तो होम डेकोर प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये कीवर्ड स्टफिंग किया होगा, कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत पीछे दिखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट का जो सर्च रिजल्ट्स है वो ऊपर रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, ऐसे कीवर्ड्स आप मेंशन करिए स्पेस के साथ, ठीक है, 8-10 कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकें उतना करिए, ज़्यादा मत करिएगा, वरना वो क्या होगा कि रिजल्ट्स इफ़ेक्टिव नहीं आते उसमें। अब मोर डिटेल्स में देखिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा पेज है,
और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको पता ना चले। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कलर, वेट, साइज़ क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। ये सारी ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको भरना ही भरना है, बट आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना अच्छा उसका लिस्टिंग टॉप में आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जैसे ही होता है आप सेव एंड फिनिश कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट रिव्यू के लिए चला जाएगा और अप्रूव होते ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, और आई विश के वो लाइव होने के बाद तुरंत ऑर्डर्स आना भी शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही है इसमें, और दूसरे जो प्रोसीजर है ऐड करने के प्रोडक्ट्स वो मैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में बता दूंगा। अभी आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।